अ वेरी गुड इवनिंग। कुछ क्रिकेट हो जाए के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। जनाब आज का मैच जो कि खेला गया मुल्तान वर्सेस लाहौर कलंदर्स, एंड बिफोर द मैच एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट लाहौर इज फेवरेट एंड दे गोना टेक इट वेरी इजीली फ्रॉम मुल्तान, लेकिन लाइकवाइज ऐसा हो ना सका। आज जब मुल्तान बैट करने के लिए आए तो हमें ऐसा लगा कि लाहौर बहुत अच्छा कर रहा है जिस तरह से वो बैट कर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि नीचे आके पोलार्ड ने जिस तरह से रन्स कराए एंड ही मेड 57 रन्स, दैट डिड द जॉब फॉर देम। 160 उनके लिए एक अच्छा टारगेट हो गया था जिसको वो डिफेंड करने में आज कामयाब हुए। जब लाहौर बैट करने के लिए आए तो मेरे ख्याल में आपको 19, 15 और 12 से ऊपर का कोई रन नज़र नहीं आएगा। और आज शाहीन शाह आफरीदी एक दफ़ा फिर से दोबारा ऊपर आए, जिसके बारे में हम ज़रूर ही बात करेंगे कि हाउ यूज़फुल वाज दैट फॉर लाहौर कलंदर्स। एंड लेटर ऑन बहुत ही ज़बरदस्त हमने देखा कि क्वाट्रल की जानब से जो स्टार्ट दिया गया मुल्तान को, प्रॉबेबली दैट वाज द गेम चेंजर अकॉर्डिंग टू मी। बट इसके साथ ही न्यूज़ ये है कि फाइनल पहुँच चुकी है मुल्तान, नाउ दे हैव टू सिट बैक, रिलैक्स, और सबको देखना है कि बाकी सारे कैसे खेल रहे हैं, बिकॉज उन्होंने अपनी सीट जो है वो पक्की कर ली है। तो थोड़ा सा मैच स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं कि स्कोर किस तरह से रहा जी। आज मुल्तान की जानब से जब बैट किया गया 57 बनाए गए, 33 रिजवान ने बनाए, 29 उस्मान ने बनाए, और यहाँ से हारिस रऊफ ने बहुत ज़बरदस्त आज गेंदे की, आज राशिद ने बहुत गेंदे अच्छी की, विकेट एक मिली राशिद को, हारिस को 3 मिली, लेकिन ओवरऑल 18 रन दिए 4 ओवरों में आज राशिद ने जब उन्होंने किया। और दूसरी जानब अगर हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की जानब से, जब उन्होंने बैटिंग किया तो 19, 15, 12 इस तरह का स्कोर, और क्वाट्रल ने 3 विकेटें हासिल की। तो आज के मैच पर लेते हैं एनालिसिस। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं क्रिकेट एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब, जिनसे करते हैं हम बातें और फिगर आउट करते हैं कि हाउ इट डीड रियली गो फॉर लाहौर, बिकॉज उनकी टीम थी, उन्होंने कहा था लाहौर जीतेगी, मैंने तो कहा था मुल्तान जीतेगी, सो इट वॉज़ अ विन विन फॉर मी एनीवेज। जनाब वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो इतनी पावरफुल टीम हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस तरह का डैमेज होगा। आज जी पोलार्ड की जो एक इनिंग्स थी उसने बहुत बड़ा फ़र्क डाल दिया पहले, क्योंकि जिस तरह से मुल्तान चल रहा था, खेल रहा था, लग नहीं रहा था कि वो 150 भी क्रॉस कर पाएगा। पोलार्ड की इनिंग्स और फिर लाहौर की फील्डिंग, तो लाहौर ने फील्डिंग भी बहुत ख़राब की, बॉलिंग भी इससे बेहतर मुल्तान को रोका जा सकता था। तो क्योंकि आप देखें बेहतरीन बॉलिंग की आज राशिद ने, उसके बाद डेविड वीज़ा, आप देखें डेविड वीज़ा आपका थोड़ा सा कमज़ोर लिंक है, लेकिन आप बॉलिंग बहुत में अच्छी गेंद की, बहुत शानदार गेंदें की, उनके मुकाबले में जो बेस्ट बॉलर है शाहीन वो मार खा गए, एक ओवर में 6 छक्के पड़ गए। आज हारिस ने बहुत अच्छी की, जिनकी परेशानी थी, तो हारिस वो जो 15-20 रन एक्स्ट्रा हुए, फिर कैचेस छूटे, तो यही अगर 140 के अंदर होता तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। तो पहले तो ये गलती हुई, लेकिन उसके बाद जब बैटिंग स्टार्ट हुई तो ठीक है, बड़ी अच्छी बॉलिंग हो गई, फ़खर को अच्छा बॉल हो गया, उसके बाद उसको अपना अब्दुल्ला शफीक को बड़ा अच्छा बॉल हो गया। बाकी ओवरऑल अगर आप देखें तो सारी गलतियां थी। मैं शाहीन को सुन रहा था मैच के बाद कि कुदरत का निज़ाम था, हवा भी चल गई, देखिए अब इतनी हल्की फुल्की हवा ये सारी चली गई, और अब्दुल्ला भी आप देखें तो क्रॉस खेलने चले गए, वो गलती ये हुई उनसे, वरना वो सीधा अगर खेल रहे होते। फखर की मेरे ख्याल में बहुत अच्छी गेंद थी, बहुत आला थी, क्योंकि अनवर सबको पता है कि लेफ्ट हैंडेड बैटर अगर है तो उसको बाहर निकालता है, ये जिस जगह से पढ़ के अंदर आया तो वो अनप्लेबल था, वो कुछ कर ही नहीं सकता था। लेकिन आप सिर्फ फ़खर पे डिपेंड नहीं कर रहे थे, और स्कोर इतना बड़ा नहीं था। हमने लास्ट टाइम भी जो बात की थी लाहौर की, कि जो उनका एक कमज़ोर एरिया है या एरिया ऑफ कंसर्न है, वो यही है कि वो चेस करने में भी कराची के अगेंस्ट भी यही हुआ, और आज फिर उन्होंने वही चीज़ रिपीट की। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगला मैच जो होगा वो भी अगर चेस करने पर पड़ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर शाहीन शाह आफरीदी को वापस ऊपर लेकर आएंगे। और फिर दूसरा समझ नहीं आता कि शाहीन का, उनकी मर्जी है, खैर उनकी टीम है, वो कप्तान है, इस वक्त क्या तुक है, या तो शाहीन ने कुछ एज एन ऑलराउंडर कुछ कहीं किसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ किया है ना, यहाँ पर कोई ऐसा मार धाड़ की जरूरत थी, फिर जब ना आपकी विकेटें गिर रही हो, जब आपकी विकेटें इतनी तेजी से गिर रही हो, जब आपके बल्लेबाजों से ना खेला जा रहा हो, व्हाट मतलब आपके दिमाग के अंदर क्या, टेस्ट मैच क्रिकेट आ गया था, आप अपने आप को नाइट वॉचमैन समझ रहे थे, व्हाट रियली हैपेंड देयर। वो भी फिर शादी में जो हुसैन तलत का जो बड़ा ही कैजुअल जिस तरह से अंदाज था, वो रन आउट हुए हैं, टांगे पहले आ रही थी, मुझे आज ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज एंड ओवर लाहौर का मजा नहीं आया। लाहौर जिस तरह से टूर्नामेंट खेलता हुआ आया है ना,
आज उन्होंने उस तरह की क्रिकेट नहीं खेली और मुल्तान की मुबारकबाद बनती है, थर्ड कंसेक्यूटिव फाइनल खेल रहे हैं वो। किसी भी टीम मैनेजमेंट या टीम के लिए बड़े एजाज की बात है कि आप 3 साल से एक इतनी अच्छी टीम बना रहे हैं कि जो PSL का फाइनल खेल रही है, तो उनको बड़ा पूरी मैनेजमेंट को और जो उनकी ड्राफ्ट में बैठती है टीम उसको बड़ी मुबारकबाद, बड़ा उनको क्रेडिट जाता है कि इतनी कामयाबी से टीम को यहाँ तक लेके जा रहे हैं। लाहौर को एक चांस और है एंड मुझे लगता है कि शायद लाहौर मुल्तान का ही कहीं फाइनल ना हो। मैं भी इसी को क्योंकि मुल्तान देखें लाहौर एक अच्छी टीम है। हाँ ऑब्वियसली वो एक अच्छी टीम तो है, दे कैन मेक अ कमबैक, एक दिन इजी हो सकते हैं, दूसरे दिन हो सकते हैं रिलैक्स, बट दे गोना डेफिनेटली कम बैक एंड दे हैव अ चांस फॉर दैट। यहाँ पर हम देख लेते हैं पैकेज, आज के मैच की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आज मुल्तान लाहौर को हराने में कामयाब हुई एंड देन वी कम बैक एंड टॉक अ लिटिल मोर अबाउट इट। सो दिस इज़ हाउ इट वेंट फॉर लाहौर। मेरे ख्याल में तारीफ करनी पड़ेगी रिजवान की भी, कंसिस्टेंटली अपनी टीम के लिए एज अ कैप्टन कम बैक करवाना, बिकॉज हमें ये तो पता है कि बीच में मुल्तान हमें मुश्किलात का शिकार नज़र आई थी, वेर हम उनका पॉइंट्स टेबल पर जब पॉइंट्स इस्लामाबाद से बराबर हो गए थे एंड नाउ लुक वेयर इस्लामाबाद स्टैंडिंग, पेशावर जो है बेटर नज़र आ रही है इस्लामाबाद से एज फार एज द विनिंग्स आर कंसर्न, जिस तरह से पिछले इस्लामाबाद मैच हारा है इन दैट ऑर्डर। लेकिन एक बहुत जो अच्छी बात है, मुझे ऐसा लगता है कि अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेसेस को समझ कर खेलना भी एक अलग बात होती है मेरे ख्याल में, वेयर टू अंडरस्टैंड कि भी हमें पता है कि हम इस एरिया में हम वीक हैं, हम इस एरिया में गलती नहीं कर सकते हैं। व्हाट आई एम हेडिंग टूवर्ड्स इज, आज जो बहुत अच्छी बात थी कि लाहौर की जाने से बार बार मिसफील्ड हुआ, बट जब वो आए मुल्तान वाले आए बॉलिंग करने के लिए, उन्होंने कोई एक कैच नहीं, दे डिड नॉट मिस, दे वर ऑन देयर टोज, उनको पता था कि वो एक भी अगर कैच ड्रॉप करेंगे इट कैन टर्न अराउंड फॉर देम एंड दे वर वेरी सीरियस अबाउट टुडेज मैच, जो कि आपको लाहौर की बैटिंग में नहीं नजर आएगा। अच्छा लाहौर में उस वक्त से देख रहा था शुरू आउट थ्रू आउट पूरे PSL में कि जब आप टॉस जीत रहे थे और आप मैचेस भी जीत रहे थे, उस वक्त आपने वो रिस्क नहीं लिया कि आप चेस करने की तरफ ज़्यादा जाएँ, क्योंकि टीम की कोशिश होती है कि आखिरी मैच में ही ऐसा हो गया कि कराची के अगेंस्ट आपने चेस किया। आप अपनी बैटिंग बॉलिंग पे तो आपको एक पूरा भरोसा है ना, जब आप क्वालिफायर के करीब पहुंच जाते हैं तो फिर आप एक दो बार कोशिश ज़रूर करते हैं कि आपने चेंजेस भी टीम के अंदर की कि आप चेस करें और लड़कों को ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ की तरफ करें कि जहाँ पर आपको नॉकआउट स्टेज पर एक कमज़ोर एरिया, मुझसे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट समझते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर वहाँ लोग बैठे हुए हैं जिनको इतनी समझबूझ ज़रूर होगी, तो वो या तो वो ओवर कॉन्फिडेंट थे कि नहीं जी हमारी बैटिंग भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक बार जो हसन अपना रज़ा ने, सिकंदर रज़ा ने कर दिए थे जाके नीचे से रन और आप उसके बाद फिर मैच जीत गए थे कि नहीं हमारी बैटिंग संभल जाती है, क्योंकि अगर आप बैटिंग का कोलैप्स देखें तो 50 वाला, फिर कराची के बाद और फिर आज तीसरा, 3 कोलैप्स आपके हुए हैं जो आपने अभी तक 11 आप सिर्फ प्रेशर में आउट हुए, आप प्रेशर में आउट हो गए कि जी फाइनल में पहुंचना है, 160 है आपने, और फिर ऊपर से आपने बड़ा ही आसान इस मैच को मेरे ख्याल से बॉलर्स ने लिया, क्योंकि वो कम से कम 20-25 रन बचा सकते थे। आप 140 के करीब भी रोक सकते थे मजे से, अगर ये फील्डिंग बुरी नहीं होती। इन माय ओपिनियन मुझे लगा था कि 130, 127, 140 से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह की फील्डिंग आप देखिए ना, फिर उन्होंने राइली रोसो जो मेन उनका प्लेयर है, रिजवान है, उस्मान, ये आज पुलाड चल गया, वो भी आपने कैच छोड़े, टिम डेविड भी उस तरह से नहीं कोई मारा है जिस तरह से पुलाड ने मारा है, तो आपके रन इसी वजह से हो गए, वरना 140 पे रुके होते आपकी अप्रोच भी मुख्तलिफ होती बैटिंग में। तो मेरे ख्याल से जीता हुआ मैच लाहौर हारा है, अब लाहौर को अगला मैच बहुत ही तगड़ा खेलना पड़ेगा, और अगर खुदा ना खास्ता आउट होते हैं तो उन्हें ये ज़रूर ये मैच याद आएगा कि उन्होंने एक PSL का फाइनल जो सुकून से वो पहुँच सकते थे उन्होंने क्या गलती की। तो ये मुझे एक ज़रूर बात है कि लाहौर ने एक अपने लिए खुद परेशानी खड़ी कर ली, इतना अच्छा टूर्नामेंट खेलते हुए आ रहे थे। राइट डेफिनेटली अब आपको चूज़ करना पड़ेगा कि आप आगे जाके क्या करने जा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी। आप एक अच्छे जीते हुए मोमेंटम से आ रहे थे और अब आपके दिमाग में ये चलना शुरू हो जाएगा कि जी आप हार गए तो आप बाहर हो सकते हैं। वेल यहाँ पर ले रही है एक ब्रेक, ब्रेक से वापस आएंगे तो कल के मैच के ऊपर भी बात होगी और दीगर जो मामलात हैं उस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए।
वेलकम बैक अगैन। तो जनाब हम बात कर रहे हैं लाहौर वर्सेस मुल्तान और किस तरह से मुल्तान ने डेफिनेटली आउट क्लास कर दिया। मुकाबला था एक्चुअली बॉलिंग का बैटिंग से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा लगा कि बॉलिंग का बॉलिंग से मुकाबला हो गया काइंड ऑफ। अच्छा, मेरे ख्याल से मुकाबला जो मुझे लगा वो दोनों टीमें जो थी वो बाद में, बॉलिंग मुल्तान की कमज़ोर थी, बैटिंग लाहौर की कमज़ोर थी, तो जो कमज़ोर बॉलिंग थी उसने कमज़ोर बैटिंग को फारिग कर दिया। अगर आप ऊपर देखें तो बॉलर्स ने अपना काम कर दिया, 160 पे भी रोकना मुल्तान जैसी बैटिंग को, वो उनकी कामयाबी है। क्योंकि जब भी मेरी लाहौर वालों से बात हुई है तो उनकी सोच ये कि बॉलर्स ने 170 से ऊपर किसी टीम को नहीं करने देने, ये उनका टारगेट है। लेकिन बैटर अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाए, कुछ ऐसी कोई तबाही नहीं थी कि आप 160 नहीं कर पाते, आप बुरा खेले। मुल्तान की एस सच बॉलिंग भी, कोई एहसानुल्लाह पे वो डिपेंड करते हैं बीच में आके, उसामा मीर थोड़ा सा बेहतर कर दे, तो बाकी उनकी बहुत मीडियोकर बॉलिंग है। अनवर अली नया बॉल कर रहे हैं, उसके बाद कोटरल जो है वो नया बॉल कर रहे हैं, उनके साथ अब्बास भी, अफरीदी भी करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो खेलना मुश्किल हो जाए या उन पर रन करना। एक एहसानुल्लाह ज़रूर ऐसे हैं कि जिन पर आपको रन करने में मसाइल आ सकते हैं, साथ साथ उसामा मीर अगर थोड़ा सा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब ऐसे हैं कि जिन पर आप 8-8 रन बनते हैं। ठीक है, आपने 8 ही रन बनाने थे 160, और ये एहसान भी ऐसा है कि आप रना बॉल तो इस पर भी करते हैं, तो आप अगर उस तरह से सोचें तो आपने बहुत ही बुरा खेला है। मतलब आप तसव्वुर करें ना कि या तो बहुत ही कोई ऐसी बॉलिंग, उनके मुकाबले देखें राशिद, आपको पता है, हाँ मैं जी, उसके मुकाबले में आपको पता है शाहीन, हारिस, जमान, अगर आप सामने देखें तो कुछ भी नहीं है। तो लाहौर बहुत बुरा खेला, और अगर आगे चल के कहीं बाहर होता है तो उनको आज का मैच याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा कि आप किस तरह सुकून से फाइनल पहुंच सकते थे और आपने क्या गलती की। राइट, प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है कि जब उनके बॉलर्स जो है वो जिस तरह से एंड में नाकाम होना शुरू हुए, समवेयर सारा का सारा प्रेशर जो है उनके बैटर्स ने ले लिया, बिकॉज इट वाजंट दैट वेरी काइंड ऑफ अ थिंग। अनवर अली के अलावा मेरा नहीं ख्याल कोई बहुत ज़बरदस्त, या एहसान ने लेटर आके अच्छी गेंदें कराई थी, बट ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ज़बरदस्त बॉलिंग हुई थी जिसके ऊपर वो डरे हुए नजर आते। बट फ्रॉम हेयर आई हैव टू ऑल्सो अनाउंस कि रिजवान जो है कंसिस्टेंटली तीसरे एडिशन के अंदर भी 500 रन मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए हैं। सो मुल्तान के लिए ये अच्छी बात है कि इतने कंसिस्टेंट बैटर उनके पास है, और 11 मैचेस में 516 रन्स बना चुके हैं अभी भी अगर बात की जाए, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी लास्ट टू लीग्स में भी ही हैड बीन दिस कंसिस्टेंट। विद दैट मेरे ख्याल में ये उनका अपना एक स्टाइल है। आई ऑलवेज हैव अ फीलिंग, मुझे उनके लिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है दैट ही हैज़ द एबिलिटी टू डू अ लिटिल बेटर विद हिज स्ट्राइक रेट, लेकिन मेरे ख्याल में लीग क्रिकेट के लिए उनके लिए सूटेड पोजिशन है जैसे वो खेल रहे होते हैं। अच्छा देखिए, आप उस रिजवान को सोचें कि जिसे कराची किंग्स खिला नहीं रही थी, और लोग उनका जब सरफराज खेलते थे लोग बात करते थे कि T20 में कहाँ रिजवान की जगह बनेगी, फिर उस रिजवान ने हम सबको शिकस्त दी। जो भी ऐसी बात करते थे कि नहीं जी T20 का तो प्लेयर ही नहीं है ये किधर, फिर जब वो मुल्तान को लेके चले हैं, आज मुल्तान अगर ये फाइनल खेल के बाद एक खेल रही है तो रिजवान का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने एकदम से चेंज किया, बॉलर्स को सरप्राइज दिया, स्ट्राइक रेट उनका ओवरऑल अगर आप देखें तो ठीक है, आप बहुत सो से कम्पीट करें, अगर आप एलेक्स हेल से कर लें या रॉय से कर लें या बाकी जितने भी T20 के जो प्लेयर्स हैं, जो टॉप प्लेयर्स हैं, उनके मुकाबले में तो आपको मज़ा नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें जो एवरेज उनका है और विकेट कीपिंग भी करते हैं तो वो अपना आपको एक तरफ ले कर चलते हैं, जो टीम को एक ऐसा प्लेयर भी चाहिए होता है, कप्तानी भी एक प्लेयर ऐसा चाहिए होता है कि जो टीम को साथ लेके चले। उनका अगर दूसरे रोल में जैसे उस्मान उस दिन आ गए थे, अगर साथ ऐसा बैटर हो तो फिर टीम को फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि आपकी टीम में हर कोई ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए होता है, जो हम इस्लामाबाद में अक्सर देखा जी सारे आ रहे हैं, मार रहे हैं और जा रहे हैं, और बीच में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो खेल बाकी खिलाड़ियों को साथ लेके चले। आज लाहौर का भी यही था ना, कोई ऐसा नहीं था कि जो साथ लेके चलता और 160 हो जाते। एक प्लेयर उस वक्त ऐसा चाहिए था कि वो जो खड़ा होता कम से कम सिंगल डबल साथ कर रहा होता, जो हुसैन तलत का रोल था जो उन्होंने नहीं किया, या सैम बेलिंग्स भी थोड़ा सा नहीं कर पाए, वहाँ एक चाहिए था। तो रिजवान उस वक्त बड़ा अच्छा आता है, जब आपको 160 जैसा टोटल हो ना तो आपको पता है कि रिजवान समझ गया वो अपने साथ किसी ना किसी को खिलाता ले जाएगा, तो वो उसकी क्वालिटी है। और बाकी
हर चीज़ तो हर प्लेयर में नहीं होती. राइट, बट आई थिंक इट्स अ ह्यूज शिफ्ट फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर. वहाँ पर विकटें ऐसा लग रहा था गिर नहीं रही, यहाँ पर विकटें इतनी तेज़ी से आज गिर गई. सो ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज शिफ्ट. इसके ऊपर इंजमाम हैज समथिंग टू से. पहले इंजमाम की बात सुनते हैं, फिर इस पर तबसरा भी करेंगे. और मेरे ख्याल में ये थोड़ी नाइंसाफ़ी भी है कि आप सारी चीज़ें ही बैटर्स के लिए फेवरेबल करते हैं. जैसे वो इंजमाम की बात है कि ठीक है भैया आपकी पिच बैटर्स को सूट करती है, आपका आउटफील्ड तेज़ है ऑलरेडी, लेकिन आपने बाउंड्रीज इतनी छोटी, रावलपिंडी की बाउंड्रीज काफ़ी छोटी कर दी गई है. आई थिंक दिस 62 और समथिंग लाइक दैट, दे शुड एटलीस्ट बी 68 और 70 और समथिंग. देखिए 70 से ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि आप इंटरनेशनली कहीं भी जाओगे ना तो फिर आपके प्लेयर को फ़ायदा होगा. आपने आके इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलनी है ना, ये तो नहीं है कि आप लीग क्रिकेट के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे. तो अगर आप बड़ी बाउंड्रीज़ के साथ बैटिंग की बात, तो उन्होंने मान ली कि जी हर जगह ऑलमोस्ट बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बन रही हैं, लेकिन अगर आप बाउंड्रीज़ थोड़ी सी बड़ी करेंगे तो आपके प्लेयर्स को जब वो इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो उन्हें फ़ायदा होगा. उन्हें फिर ऐसा नहीं लगेगा कि जी हमारे अब तो शॉट वो ग्राउंड के अंदर ही रह रहे हैं, क्योंकि थोड़े से मीटर का फ़र्क होता है, उससे आपका शॉट बाहर गिरता है या आप आउट हो जाते हैं. तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाउंड्रीज़ आप, अगर आप इस तरह की विकेट बना रहे हैं तो बाउंड्रीज़ आप बड़ी रखें. और आपको पता होता है कि जैसे रावलपिंडी की विकेट थी, सबको पता था कि बैटिंग फ्रेंडली है, तो वहाँ ये कि आप कर देते, वरना अजीब सा ही लग रहा होता है कि आप 260 हो रहे हैं, बाउंड्रीज भी छोटी हैं, तो बॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं है. right. उसके बाद भी अगर मार पड़ जाती तो वो एक अलग बात. और मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं PSL की जो एक्सक्लूसिविटी, आई कीप ऑन सेइंग दैट, मैंने बहुत दफ़ा ये बात की है कि वो बेस्ट पेसर्स का जो एडवांटेज है PSL को वो है. और मेरे ख्याल में आपको अपने उन बॉलर्स को इतना एडवांटेज देना चाहिए कि एटलीस्ट आप सारी चीज़ें जो हैं वो बैटर्स के साथ ना कर दें. ऑल दो हमने कराची की विकेट को डिफरेंटली परफॉर्म करते हुए देखा है, हमने लाहौर की विकेट को भी इससे पहले जो मैचेस हुए हैं वहाँ पर डिफरेंटली परफॉर्म करते हुए देखा है. आपने जो बात की कि इवेंचुअली होगा ये कि जब आप इंटरनेशनल टीम, इंटरनेशनल ग्राउंड्स में, दीगर ग्राउंड्स में जाएंगे तो वहाँ आपको मुश्किल होगी. एंड आई हैव टू टेक यू बैक टू ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर हमने देखा था ऑलरेडी के हमारे सारे बैटर्स ने ऑलमोस्ट स्ट्रगल किया था वहाँ पर. उसका रीज़न एक तो ऑब्वियसली वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं वो डिफरेंट हैं, उनकी डायमेंशन से डिफरेंस है, कहीं से ग्राउंड थोड़ा छोटा है, कभी से डिफरेंट है, नेचुरली जो उनका एक एनवायरनमेंट है उसके साथ. एक तो ये थी, दूसरी ये कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड बहुत बड़े हैं. सो उसके बीच हमारे सारे ही बैटर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना, वी हार्डली सो अ पाकिस्तानी हिटिंग बिग सक्सेस ओवर देयर. जी ये यही एक वजह थी. एंड मेरे ख्याल से अब निशानदेही तो कर दी इंजमाम ने. मोस्ट प्रॉबली अगला जो PSL होगा इसमें ज़रूर क्रिकेट बोर्ड ख्याल रखेगा कि ये चीज़ें बेहतर की जाएं. और हमेशा इम्प्रूवमेंट की जब भी बात होती है, गुंजाइश होती है, तो मोस्ट प्रॉबली नेक्स्ट PSL में आपको बेहतरी नज़र आएगी. एंड ओवरऑल PSL अभी तक बहुत अच्छा हुआ है, अब बस 3 मैचेस ही बचे हैं. अच्छा, चूँकि अब बात निकली गई है, हम इससे पहले अपनी अक्सर जब आपकी टीम बुरा कर रही होती है एज़ फार एज़ अ बैटर इज़ कंसर्न, तो उस वक्त हम ये तनकीद करते हैं कि यू नो हमारे बैटर्स के अंदर वो जान नहीं है, हमें उस तरह के छक्के नज़र नहीं आते. और मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें हमें सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स में नज़र आती है जो ग्राउंड्स बहुत बड़े होते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में हमारे साथ हो गया था. आर वी रियली थिंकिंग अबाउट इट कि हमें वहाँ पर भी अपनी टीम को थोड़ा सा तैयार करना होगा. एक तो हमने सबसे ज़्यादा जो बड़ी कमज़ोरी हमारे बैटर्स की हमें नज़र आई थी वो ये थी कि ग्राउंड की सारी तरफ खेलना, पहली चीज़ जो आपको एक्यूटली मिसिंग लगेगी, सिवाय एक दो बल्लेबाज के और हमारे पास नहीं है टीम में ऐसे प्लेयर्स जो कि इतना ज़्यादा अराउंड द ग्राउंड खेलते हों. दूसरी चीज़ ये बड़े हिट्स लगाना, ये भी हमारे लिए एक मुश्किल है. और फिर इवेंचुअली ये होता है कि हमें विकेटों के बीच में भागना पड़ता है बहुत ज़्यादा, जो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है. देखिए 3-4 प्लेयर्स तो ऐसे नज़र आ रहे हैं कि जो बड़ी हिट्स लगा रहे हैं, आज़म खान, साइम अच्छी बड़ी हिट्स लगा रहे हैं, उसके साथ साथ अभी और क्रिकेट खेलेंगे हसीबुल्ला आ रहे हैं, हारिस भी अच्छी बड़ी हिट. हाँ कुछ में ज़रूर, क्योंकि यंगस्टर्स हैं कि चारों तरफ खेलने की चीज़ें, क्योंकि ये अभी नई नई इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहुत से पाकिस्तान की तरफ से खेलेंगे भी, तो ये बेहतर हो जाएंगे जितना खेलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेगा, ये बेहतर हो जाएंगे. और ये सारी ही अच्छी क्रिकेट खेली है अभी तक जो हमने PSL में देखा है, कि इन यंगस्टर्स ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, अपने आप को इम्प्रूव किया है. तो मोस्ट प्रॉब्ली अब, क्योंकि वजह सारी है कि शादी अब सबको अंदाज़ा हो गया कि अब एक तरफ की क्रिकेट में आपकी बचत नहीं होगी. और ये नए जो आ रहे हैं, उमेर बिन यूसुफ को भी हमने थोड़ा सा देखा, ये वो प्लेयर्स आ रहे हैं कि जो जो इस चीज़ का जिन्हें अंदाज़ा हो गया है कि लीग क्रिकेट में अगर अपना नाम बनाना है तो किस तरह से खेलना पड़ेगा.
Right. तो मुझे उम्मीद ये है कि इन यंगस्टर्स के आने के साथ साथ और अब जो पुराने प्लेयर्स हैं मोस्ट प्रॉब्ली अगले ड्राफ्ट में बहुत से नज़र ही नहीं आएंगे, आपको अब एक नई PSL में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की एक नई जनरेशन आनी शुरू हो रही है जो अब लंबे अरसे तक खेलेगी, ये 8 साल तक खेले हैं एंड प्रॉबेबली हमें ऑलरेडी अफगानिस्तान की सीरीज में उसकी एक हाईलाइट मिल जाएगी अभी आने वाला जो हमारी सीरीज है उसमें हम देख सकेंगे T20 में। वेल यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, वापस आएंगे अगले मैच में बात करेंगे। वेल जनाब अब बात कर लेते हैं जरा कल के मैच की। कल का मैच जो है वो पहला एलिमिनेटर है एंड दैट्स गोइंग टू बी बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। अब देखना ये है कि पेशावर और इस्लामाबाद की क्या स्ट्रैटेजी होगी, बट बिफोर वी गो टू आवर कॉन्वर्सेशन चलते हैं देखते हैं आज का पैकेज जो कल के मैच के लिए तैयार किया गया है। यस ऑब्वियसली अब देखना ये है कि कल के मैच में इज इट पेशावर और इस्लामाबाद क्या लग रहा है। वेल अपेरेंटली जिस तरह से पिछला मैच हारे हैं इस्लामाबादीज़ मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि उनका मोमेंटम वो होगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस्लामाबाद का टारगेट बाबर आजम होगा। बाबर आजम या बाबर वर्सेस आजम, यस ये भी हो सकता है क्योंकि आजम बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते आ रहे हैं और 3 मैचेस उन्होंने इस्लामाबाद को जिताए हैं जिसमें उनकी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी। अनफिट वो हो गए थे, बॉल लग गया था उनके एंड न्यूज़ यही थी कि वो मोस्ट प्रॉब्ली प्ले ऑफ का जो मैच है वो खेलेंगे। तो देखें क्या होता है, बट सिचुएशन या विकेट अगर पिंडी जैसी नहीं है क्योंकि इस्लामाबाद की बैटिंग जो है उसे बॉल तेज़ आता हुआ पसंद है, जहाँ ज़्यादा अगर कोई सीम स्विंग होता है तो वो मेरे ख्याल से इस्लामाबाद की बैटिंग उसको पसंद नहीं करेगी। मुल्तान पेशावर को एडवांटेज ये है कि बाबर एक ऐसा प्लेयर है कि जो लंबा खेल सकता है, जो मैच जैसे हमने आज देखा कि 160-170 अगर स्कोर एक विनिंग टोटल है तो वो बना सकता है। इस्लामाबाद इस कंडीशन में अगर बॉल जिस तरह से पिंडी में आ रहा था अगर नहीं आएगा तो किस तरह बैटिंग करें देखना। और देखें इस्लामाबाद के ओवरऑल एलेक्स हेल्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे, गुरबाज भी उस तरह से नहीं चले, मनरो ने 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली थी, शादाब भी बीच में छोटी कोई इनिंग्स खेल दी एक दो, उन्होंने 44 बनाए जो काबिल जिक्र है, अदरवाइज आजम ने नीचे से आके रन किए लेकिन बैटिंग उनकी ओवरऑल स्ट्रगल करती रही है। आजम ने कोई 2-3 अच्छी इनिंग्स खेल दी जिससे बड़ा फर्क पड़ गया। तो मुझे और पेशावर ने बड़े अच्छे टाइम पे जीतना और कमबैक किया, अच्छी क्रिकेट खेलना शुरू किया है। लेट्स सी क्या होता है, बट अगर आप वैसे पूछती तो इस्लामाबाद मुझे बेहतर लगा, लेकिन लास्ट मैच जिस तरह से पेशावर जीता है तो मुझे पेशावर थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। इन कंडीशन में जीत तो कोई भी टीम सकती है। Obviously, if you've taken Peshawar, I'm going to go with Islamabad, but is toss going to decide who's going to win the match? देखिए आज के बाद तो मोस्ट प्रॉब्ली फिर यही होगा कि क्योंकि ड्यू का भी ऐसे कोई ऐसा इम्पैक्ट नजर नहीं आया तो मुझे तो लगता है कि फिर शायद जो भी टीम आज का मैच टॉस जीत के तो फिर वो पहले बारी ही करे। राइट राइट तो देखना ये है कि कल कौन सी टीम टॉस जीती है एंड आर दे गोइंग टू बैट फर्स्ट और गोइंग टू गो एंड फॉलो। अब देखते हैं कि कल क्या डिसाइडर है मैच का, बट आई हैव अ फीलिंग दैट इस्लामाबाद इज गोइंग टू टेक टुमारोज मैच, ये कह रहे हैं पेशावर। तो देखते हैं कल क्या होता है, फिर करेंगे तबसरा, खींचेंगे एक दूसरे की टांग भी। फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू से यू बाय बाय, आई एम गोइंग टू सी यू टुमारो।